हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्यूब टॉक, योर वन स्टॉप शॉप ऑफ ऑल एंटरटेनमेंट रिव्यूज़। दोस्तों, लास्ट वीक OTT पर कोई बहुत बड़ी रिलीजेज तो नहीं हुई, लेकिन कुछ ऐसा कंटेंट रिलीज ज़रूर हुआ है जिसका बहुत ज़्यादा शोर नहीं मचा और वो रिलीज़ होकर निकल गया। लेकिन उसमें से कुछ ऐसा कंटेंट है जिसे आपको देखना चाहिए था और जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी 3 वेब सीरीज़ जो लास्ट वीक में रिलीज़ हुई थी, जिनका बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन या शोर तो नहीं हुआ था, लेकिन इसमें कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें द सीक्रेट ऑफ सिनोली की। सीक्रेट ऑफ सिनोली एक डॉक्यू सीरीज़ है जो कि डिस्कवरी प्लस पर रिलीज़ हुई है और इसकी नरेशन की है मनोज वाजपेयी ने और इसको बनाया है नीरज पांडे ने। दोस्तों, ये कहानी है यूपी के बागपत एरिया की, जहां पर अभी अभी इंडियन आर्कोलॉजिकल सोसाइटी ने एक ऐसी खोज करी है जिसमें 4000 साल पुराना एक रथ बरामद हुआ है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे सैनिकों के अवशेष भी मिले हैं जिनके हाथ में तलवार, भाले और काफ़ी कुछ था। तो दोस्तों, ये इस टाइम की सबसे बड़ी खोज बताई जा रही है यूपी के बागपत में, जो अभी अभी हुई है रिसेंटली, और कैसे हुई है ये डिस्कवरी, ये उन्हें बहुत इंटरेस्ट करेगा जो हिस्टोरिकल डिस्कवरीज़ को देखना पसंद करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, लास्ट वीक में रिलीज़ हुई है इंडियाज़ मोस्ट सनसनीखेज कहानियाँ। दोस्तों, ये एक वेब सीरीज़ है जिसके रिलीज़ किए गए हैं 12 एपिसोड, जहाँ हर एपिसोड की लेंथ ऑलमोस्ट 40 मिनट्स की है और ये फिलहाल वूट सिलेक्ट पर स्ट्रीम कर रही है। इसके कुछ एपिसोड्स आपको यूट्यूब पे भी देखने को मिल जाएंगे। इसका नरेशन किया है रौनित रॉय ने और ये आपको कुछ इंडिया की ट्रू इंसिडेंट्स पे बेस्ड क्राइम की कहानियां बताएगा जो कि आपकी सोच से बाहर हैं। जी हाँ, आप इसे नेक्स्ट लेवल ऑफ क्राइम पेट्रोल मान सकते हैं और इसमें जो 12 सनसनीखेज कहानियां इंडिया की कवर की गई हैं वो आपको हिला के रख देंगी और इसे देखने के बाद आपको एहसास होगा कि जहां पर आपकी सोच खत्म होती है, क्राइम की दुनिया वहां से शुरू होती है। इंडियाज़ मोस्ट सनसनीखेज कहानियां वूट सिलेक्ट पर इस टाइम रिलीज़ हो चुकी है, आप इसे वहां पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इसे देखने का इंतजाम नहीं हो तो हमें ज़रूर बताएं और हम आपकी मदद करेंगे। इसी हफ्ते की तीसरी रिलीज़ है उल्लू ओरिजिनल्स की प्रभा की डायरी सीजन 2, जो कि कहानी है रोमिला और सपन की, जो एक इरोटिक कपल हैं। इस वेब सीरीज़ के टोटल रिलीज किए गए हैं 3 एपिसोड, जहां हर एक एपिसोड की लेंथ 20 से 25 मिनट के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। कहानी है रोमिला और सुपन की, जो एक इरोटिक कपल हैं और फिलहाल अब संतान प्राप्ति चाहते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में सब कुछ उस वक्त बदल जाता है जब रोमिला एक अच्छी खबर सुनाती है जिसका असर उनके परिवार पर उल्टा होता है। फिर उनकी ज़िंदगी में आगे क्या क्या होता है ये तो आपको देखना पड़ेगा प्रभा की डायरी सीजन 2 में। लेकिन हम आपको ये ज़रूर बता दें दोस्तों कि भले ही एक इरोटिक वेब सीरीज़ है, आपको इसमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा जो आपको एक स्टैंडर्ड वेब सीरीज़ में नहीं देखने को मिलता है। और अगर आप कहानी के पर्सपेक्टिव से इसे देखना चाहेंगे तो बिल्कुल इसमें आपको कोई कहानी नहीं मिलेगी। इसको सिर्फ घुमा फिरा कर इसमें इरोटिक सीन्स भरने की कोशिश की गई है, जो भी उस लेवल के नहीं है जो आजकल की स्टैंडर्ड वेब सीरीज़ में भी आपको देखने को मिल जाते हैं। मेरी राय आपसे यह है कि अगर आप एक मैच्योर ऑडियंस है जो कुछ हिस्टोरिकल देखना चाहते थे, आप डॉक्यू सीरीज़ देख सकते हैं द सीक्रेट्स ऑफ सिनोली, और अगर एक क्राइम थ्रिलर रियल टाइम ट्रू इंसिडेंट पे बेस्ड आप लोग देखना चाहते थे तो इंडियाज़ मोस्ट सनसनीखेज कहानियां आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी 3 रिलीजेज लास्ट वीक की। हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम हर वीक आपके लिए नई नई अपडेट्स लाते रहते हैं उन वेब सीरीज़ की जिनका बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट या प्रमोशन होता है, और उन वेब सीरीज़ को भी हम कवर करते हैं जो जनरली लोगों की नज़र से निकल जाती है। अंटिल वी गेट बैक टू यू द नेक्स्ट रिव्यू, इट्स गुड बाय फ्रॉम ट्यूब टॉक।